अरे भैया तरस खाओ थोड़ा बहुत। आइए कटपी साहब की सेवा में पुरस्कार भैया बबलू रावतपुर की तरफ से 21 पद मुद्राएं। ये सबड़ी वाली, अच्छा रबड़ी वाली, कुछ लिखा है, अच्छा सब्जी वाले, टमाटर तो आ गए सब्जी रह गई। और क्या भैया की तरफ से 21 पद मुद्राएं हैं, धन्यवाद। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप भैया सुभाष रागी जी, आपके करकमलों से 101 पद मुद्राएं हैं। वे हमारे सक्रिय फिल्म करने वाले गा रहे हैं और ऐसी तर्ज कि किसी को अड़चन ना आए। मेरा स्वभाव ये नहीं है कि मेरा साथी मंडल सहयोगी मंडल परेशान हो, सादा से सादा धुन चलिए। फिल्म करने वाले गा रहे हैं पाया। उन्होंने गाया मेरी घरवाली जब उठ जाती है पूरी गन मशीन हो जाती है, लेकिन लेकिन उनके जवाब में शायद किसी दादा ने जवाब दिया, बोले आपकी तो गन मशीन होती है लेकिन हमारी तो धुलाई हो जाती है। मेरी जब धुलने पर आ जाती है तो वॉशिंग मशीन हो जाती है, लेकिन लेकिन दूसरे बोले हमारी जासूसी करने पे आती है तो जासूसी करने पर आ जाती है तो पूरी दुर्वी लेकिन एक लोग बोले घरवाली जब मान जाती है तो सुरीली बीन हो जाती है, लेकिन आज के भैया बोले घरवाली जब मान जाती है तो पूरी चाउमीन हो कटपी। सुनिए सुनिए हमारी हमारी आपकी जवाबी है, उधर ने आप लोगों से जवाबी कटपी। सुनिए कांटेदार चम्मच का में दिमाग मत लगाए आप लोगों ने गन्ना तो देखा है, अभी पूजा भी की होगी देवउठनी में, गोवर्धन पूजा की होगी देवउठनी में, आप लोग पूजा करेंगे। गन्ने का प्रयोग हमारे यहाँ कई पूजा में भी किया जाता है ना। आप लोगों से निवेदन है गन्ने से बहुत चीजें बनाई जाती हैं। गन्ने से बहुत चीजें बनाई जाती हैं। गन्ने का रस होता है, गन्ने से शक्कर बनती है, गन्ने से गुड़ बनता है, गन्ने से राख बनती है राख। लेकिन हमने कहा गन्ना का नहीं, हम तो दूध की बात करेंगे, यानी खीर, जो बारह मासी है, कभी भी सुबह लो शाम लो दोपहर में लो रात में लो। वाह
ये छीर क्या क्या बना रहा है क्या ये हमारे बुंदेलखंड की लेखनी है सुनेगा सुने। अरे छीर कर दी भलाई नमन कर रही हूँ आपके कर्मों से 101 मुद्राएं हैं आप पुलिस विभाग से हैं प्रणाम है मेरे ओर ये लो बेटा वाह क्या बात है 101 मेरे लिए 101 हमारे पंकज महाराज जी के लिए हैं क्या बात है पंकज जी 101 भैया मुकेश के लिए हैं सुभाष भाई मेडिकल कॉलेज नमन सुभाष भैया अब कटवी सुनना दही कैसे बनेगा कैसे दही बताओ बेटा दही दही पे खास तौर से लोग ध्यान देंगे कि दही बनता कैसे समझो वो मिल जाता है नीर भी खीर बन जाता है दूध में पानी मिलाइए तो पानी दूध बन जाता है और क्या बेटे और क्या कितना भी पानी मिला दो दूध में लेकिन बिकेगा उसी रेट जिस रेट में दूध जाएगा और ये केवल मेरा दूध पानी का मतलब नहीं है ना कहने का तात्पर्य यह है ये पानी रूपी आत्मा और दूध रूपी परमात्मा वाह पानी रूपी आत्मा दूध रूपी परमात्मा में मिलती है आत्मा भी परमात्मा का ही स्वरूप हो जाती है क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी लेकिन छील से नीर जब हटे छील से नीर जब हटे जाता है छीर ही पनीर बन ही वर्ण करती है उसी तरह ये दूध भेजी जी और पानी की मित्रता हुई दूध में पानी मिला उसने कहा मित्र मैं तुझे अपने ही भाव बिकवाऊंगा लेकिन जिस समय दूध उबलने के लिए रखा तो पानी ने कहा मित्र तुझसे पहले मैं चला जाऊंगा और पानी जैसे उड़ने लगता है निकलने लगता है तो दूध से नहीं रहा जाता दूध उफान पे आ जाता है और जैसे उतरने लगता है तो हम लोग पानी के छींटे मार देते हैं यानी दूध और पानी मित्र को मित्र से मिला देते हैं तो दूध साफ हो जाता है Hey!
सुना जी, बहुत बढ़िया है। खूब दूध में मिलाया, खूब दूध से निकाला। नहीं, सब काम तो भरी बात कर लेती हूँ, मिलावट भी अच्छी करती हूँ। झोल झाल ठीक चल रहा है मामला, लगे रहो बोले ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, कैसे ना कैसे हो ही जाएगा। टोटल मार के बस अपनी अपनी बात का ध्यान रखना है, दूसरे की का नहीं रखना है। मैंने कुछ कहा था लेकिन आपने नहीं समझा। बिना पति के पत्नी पुत्र पैदा कर रही है, ये ध्यान रहा है हमको। अब बताइए, हम कह रहे हैं कि अभी पति पैदा ही नहीं हुआ है, पति पति का नहीं, नाम निशान ही नहीं है। हाँ हाँ, घर में पत्नी आ गई, और घर में पत्नी आ गई, बात ये थी। लेकिन आप कह रही हैं कि ये तो हो सकता है कि भाई कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास ना बेटा है ना बेटी है, ले आओ मधु ले आओ या दामाद ले आओ, लाओ कोई ला के दिखाओ, ला सकती हो क्या? नहीं ला सकती। आप कह रही हैं बिना नर के नारी ने संतान को जन्म दिया। अरे मेरे नर ऐसे हैं जिन्होंने संतानों को जन्म दिया है। नहीं भैया, बस इनका माल माल है, बाकी तो सब गोल माल है। तमाम ऐसे नर हैं जिन्होंने संतानों को जन्म दिया है। हाँ हाँ, वही तो, इनका लल्लू लुल्लू और बाकी सबका उल्लू। संजय भैया, मेरे तमाम नर ऐसे हैं जिन्होंने संतानों को जन्म दिया है। कोई बात नहीं है, चलिए ठीक है। अब बताओ, हम पहले भी कह रहे थे कि हम बात कहाँ की कर रहे हैं और आप जवाब कहाँ से ला रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि बिना पति के ही पत्नी आ रही है और सोलह स्वीकार कर रही है, उसको पुत्र वधू के रूप में स्वीकार किया जा रहा है, लेकिन आप कह रही है कि बिना पति के बेटा पैदा हो रहा है और ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ से डिलीवरी करा रही है। समझ नहीं आ रहा मतलब आपसे कल्पना जी। खैर कुछ भी सही, आनंद आता है आपकी बातों को सुनकर और हंसी भी आती है। करें तो करेंगे, आपका कुछ कर नहीं सकते। आपने पहले ही कह दिया कि ये स्वभाव वाली बात है, तलवार का स्वभाव है काटना वो काटेगी ही, है ना, सुई का स्वभाव है सिलना वो सिलेगी ही, आग का स्वभाव है जलाना वो जलाएगी ही। एक और गीत मैंने गाया था टुकड़ी, जिसमें कहा था कि तारा ने कहा कि प्रभु ऐसी मुझसे क्या चुक हो गई, आपने तारे जैसे को भी तारा, आपने अपने हर भक्त को तारा, हर दुष्ट को भी तारा, लेकिन इस तारा को नहीं तारा। अब इनका जवाब सुनिए, राम के आगे से माँ हटा दो और सीता के आगे से सा हटा दो, बचा क्या तारा। हो गया तारा, तारा हो गया। जय हो तारा तरणी कल्याणी भैया। और जो सितारा लगाया जाता है कपड़ों में, सीटी वाला सा हटा दो तो डायरेक्ट तारा रह जाएगा। दो अक्षर क्यों हटा रही हूँ आगे पीछे, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। एक ही अक्षर में जब तारा बन रहा है तो सितारा, जो सितारा जड़ा जाता है इससे हटा दो तारा रह गया। अरे ये क्षमता की बात है, दो अक्षरों में क्यों घूम रही हूँ, एक अक्षर में तारा बन रहा है। खैर चलिए छोड़िए, एक और बात कही उन्होंने, हम सामने वाले कलाकारों को कष्ट नहीं देना चाहते। आपको किसने मना कर दिया कि आप कस्टमर दीजिए, कोई सिफारिश लेके पहुंच गया था क्या घर से कि बोले बच्चों को कष्ट मत दो, ये बेचारे हाथ से सैन को कष्ट मत देना, आपका तो स्वभाव ही है कष्ट देना। स्वभाव कैसे त्याग दिया तुमने, स्वभाव के विपरीत काम कर कैसे रही हो ये बताओ, सारी रात्रि तो तुम वही करती रही, अब आप ये कह रही हो कि हम सहयोगी कलाकारों को कष्ट नहीं देना चाहते। कष्ट किसी को तब दिया जाता है कल्पना जी, जब सामने वाला उस कष्ट को कष्ट समझ कर महसूस करे, तब उसे कष्ट कहते हैं। लेकिन जिसे कष्ट और आनंद में अंतर ही नहीं पता, ये कष्ट भी आनंद के समान है, तुम्हारा ये कष्ट हो जाएगा बस बस बस। अपनी बुझी हुई लालटेन को लेकर ऐसे ही बैठी रहो, माचिस दिखाती रहो उसमें। अरे टूटा हुआ फूल खुशबू दे जाता है और बीता हुआ फल यादें दे जाता है। हर शख्स का अपना अपना अंदाज होता है। अरे कोई जिंदगी में प्यार तो कोई प्यार में जिंदगी दे जाता है।
पब्लिक बताएगी, पब्लिक हमको क्या बताएगी, पब्लिक जो बता रही है वो सब रीडिंग हमारे पास आ रही है, तो आपको कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है कुछ बताने की, ये जो कुछ बताएंगे बता ही देंगे, ये बताने ही को आए हैं आज, बता देंगे जो कुछ बता देंगे सहर्ष स्वीकार, कोई कष्ट नहीं, क्योंकि यहाँ पर सदा एक ही भाव है आनंद रहना, हर हाल में खुश रहना जैसे भी हो, कि हम ऐसा नहीं कि जरा सा किसी ने उंगली किया नहीं कि खुजली हो गई। खैर चलिए एक गीत गाया इन्होंने कि हाथों में चाबुक ना। नहीं बाकी तो सब कीर्तन वाली है, तुम क्या चाट बेच रही हो? बहुत अच्छे चाट वाली हो तुम, तुम कीर्तन वाली नहीं हो, तुम कीर्तन नहीं गाती हो ना, नहीं नखरे वाली कीर्तन वाली, पब्लिक सब देख रही है, ये भजन गाती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। जय हो मेरे श्री भाई। देखिए सुना तो मैंने भी नहीं दादा को, लेकिन इन्होंने जैसा फरमाया कि दादा कहते थे कि मेरी वाली जब रूठ जाती है तो दन मशीन हो जाती है, मेरी वाली जब रूठ जाती है तो दूरबीन हो जाती है, और मेरी वाली रूठ जाती है तो चाउमीन हो जाती है, और पता नहीं क्या क्या हो जाता है। पना जी इन बातों पे ध्यान लगाने की बजाय मुद्दे की बात पे आओ, अगर ऐसे ही तुम्हारी तरह लता मंगेशकर आती रहती ना तो उनका ही चाउमीन बना लेते ये इंडियन लोग। बताइए पूरे गाने का कबाड़ा करके बना दिया, दूरबीन हो जाती है। गर्मा को खत बना दे और फिर हम कुछ कहते हैं तो कहते हैं कि बोलती है, बताइए करें क्या, नहीं रुका जाता तो फिर बोलो तो भाई भाई बुरा लगता है तो लग जाए किसी को, हम क्या करें। गीत गाया इन्होंने कि छीर ले नई बात क्या है, नई क्या बात है, कॉमन बात है कि दूध में आप पानी हटा दे, मतलब पानी, अच्छा अच्छा ठीक है, दूध और पानी आपको दे रही है हटा के पनीर बना देगी, ये भी अगर पानी हट गई पनीर होता है तो इनको एक ग्लास दूध और एक ग्लास पानी दो,
का पनीर बना के दूध और पानी के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं कि दूध के ही रेट पानी मिल जाएगा तो वो भी उसी रेट बिकेगा। अरे ना, आजकल फेंट निकलती है डेयरियों पर, 26 रुपए लीटर रह जाता है। ये देखो, और जब पनीर निकल आता है तो क्या बचता है, देखिए जवाब में। ये बुंदेलखंड की लेखनी अब गाई है इन्होंने, कह रहे थे कि अब हम अपनी बुंदेलखंड की लेखनी गा रहे हैं। बिल्कुल, सारी रात तो दक्षिण अफ्रीका की लेखनी गा रहे हैं भाई, हद हो गई कल्पना जी। आपकी बात क्या बताऊं मैं, आप कुछ आपने तारीफ कुछ मत कहो बेटा, तुम पहली बार आई हो कानपुर में, हो सकता है दोबारा तुमको फिर न बुलाया जाए। अरे कोई दिक्कत नहीं है आपको, हमारा पहला आखिरी भी हो जाए तो भी हमको टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया कि हर हाल में खुश है। बिल्कुल, जो जब पहली बार नहीं आएगा तो बार बार नहीं आएगा, इसीलिए अब देखिएगा। घी के बाद और जब मथते हैं तो, अरे है तो, हाँ है तो, दूध वो हेटा बन जा रहा है। और अगर जवाब सुनाए तो एक बार दो बार तालियां, फिर भी काबू में आता है वो, है वो, अरे है वो, दूध ससरे का हो जाता है। जब ज्यादा जो बाकी बचता जो शेष बचता है उसको भी काम लेते हैं और वो भी सपरेटा बन के। जब किसी में ज्यादा बिगड़ लगाई जाती है तो उसकी शकल चेंज हो जाती है। और एक क्या बताते हमारे संजय भाई केस म्यूजिक वाले जो फिरोजाबाद से हैं, जिनके माध्यम से आप इस कार्यक्रम को श्रवण कर पाएंगे और देख भी पाएंगे। तो फिर भी वो काम में आता है तो, अरे है वो, अरे है वो, दूध सपने का बन जाता है, दूध सपने का बन जाता है। ये आपके कटपीस का ऑपरेशन है, वो भी सर्जिकल। अब आइएगा, ये देखिए आपका बहुत नाम है कल्पना जी, और मुझे बड़ा गर्व होता है कि भाई हमारी कल्पना जी बहुत अच्छा गाती हैं। बिल्कुल, कोई शक नहीं है इसमें, कोई शक नहीं है।